हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट रिजल्ट 2022 का वेट कर रहे छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। अभी अभी उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड ने काफी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के यूपी टेट रिजल्ट और फाइनल आंसर की पर जारी कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है 24 मार्च की, यानी कि आज की। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप भी यूपी टेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आगे भी यूपी टेट परीक्षा से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचाया जा सके। आप सभी बता दें, एक और खुशखबरी आप सभी को देनी है। 1.5 लाख जो वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आना था, अब उस पर भी मोहर लगती हुई नजर आ रही है। अब यहां पे इसी मंथ के लास्ट तक आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश में टीचर कि जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, चाहे आपकी यूपी असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी हो, चाहे आपकी टीजीटी पीजीटी की हो, एलटी ग्रेड की हो और कई अन्य वैकेंसियाँ भी आनी, तो ये सभी वैकेंसियाँ जो हैं धीरे धीरे करके अब जारी होने वाली हैं। अगर आप भी यूपी टेट का इस बार वाला एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे तो आप सभी लोग इन सभी भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बताना चाहेंगे, आपका अपना टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग सरकारी टीचर भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आज ही जाइए टेलीग्राम पर, सर्च करिएगा सरकारी जॉब विद अभय। 14,200 से भी ज़्यादा छात्र ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक। यहाँ पर हम लोग तैयारी करवा रहे हैं सरकारी टीचर, जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उनकी फ्री में हमने यहाँ पर सभी नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं, तो इसका लाभ जरूर लीजिएगा और आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम को। जैसा कि आपको पता है आप सभी तक लाइव अपडेट पहुंचाई जाती है यूपी टेट परीक्षा से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स जारी होती हैं। तो आप सभी को बताते हैं अभी अभी आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट पर सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज से कल में जारी होगा यूपी टेट का रिजल्ट। अभी अभी आप सभी को बता दें ये 24 मार्च की अपडेट है, 11:38 की। पेज को हम रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आप सभी के लिए सबसे पहले आप सभी बता दें आप सभी की फाइनल आंसर की और रिजल्ट 23 फरवरी और 25 फरवरी को जो है आप लोगों के जारी होना था, लेकिन आप सभी का विधानसभा के चुनाव के कारण वहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट और आप लोगों का फाइनल आंसर की जो है रोक दिया गया था। लेकिन अब काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूपी टेट 2022 के रिजल्ट का वेट कर रहे छात्रों का वेट यहां पे अब खत्म होने जा रहा है। उम्मीदवार जितने भी हमारे हैं जो यूपी टेट रिजल्ट 2022 के नोटिफिकेशन जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनके लिए सबसे बड़ी खबर आने वाली है। आप सभी बताते हैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है आप सभी का जो रिजल्ट है आप यहाँ पे कल जारी कर दिया जाएगा। ये अभी अभी आप सभी के लिए अपडेट आ चुकी है, आज से कल में कभी भी किसी वक्त आप सभी का ऑफिशियल अपडेट जो है आ चुकी है, रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अब आप सभी को बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। पहले भी कई सारे अपडेट आ चुके हैं जिसमें आपको बताया गया कि 10 से 15 नंबर के बीच में आप सभी को बोनस मार्क्स मिलेंगे। और आज की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर होने वाली हमारे जितने भी छात्र हैं जो यूपी टेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप सभी लोगों को 10 से 15 मार्क्स तक की जो है बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही रिजल्ट आप लोगों का आज से लेकर कल में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जैसे ही जारी होगा उसके 2-3 घंटे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट अब जारी होने जा रहा है, क्योंकि जो आपकी अंतिम उत्तर कुंजी है यूपी टेट रिजल्ट के साथ साथ यूपी टेट परीक्षा जो आपकी फाइनल आंसर की है ये भी अब दोस्तों जारी की जाएगी। और आपको बता दें अंतिम उत्तर कुंजी जो कि आपकी फाइनल आंसर की या आपके रिजल्ट से पहले पहले जारी की जाएगी, 1 से 2 घंटे पहले जारी की जा सकती है updlit.gov.in पर। जितने भी हमारे छात्र हैं उनका जो ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट है आप लोग देख पाएंगे और यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यूपी टेट 2021-22 परिणाम और फाइनल आंसर की अब जल्द ही जारी की जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी टेट के नतीजे 25 मार्च 2022 के बाद जारी किए जाएंगे, ठीक है।